हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही से होंगे। तो आज का वीडियो में आज बात करने वाला हूं यूएई का गोल्डन वीजा के बारे में। जैसे कि यूएई का गोल्डन वीजा आप 2019 से सुनते हुए आ रहे, किसी सेलिब्रिटी को मिल रहा है, शाहरुख खान को मिला, संजय दत्त को मिला। यूएई में जो है लोकल है उनको जो बेनिफिट मिलता है, इसके बाद बेनिफिट मिलने वाले ये गोल्डन वीजा में, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डन वीजा। ये गोल्डन वीजा मैं इसलिए इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ कि गोल्डन वीजा मिल जाने के बाद जैसे यहाँ का जो लोकल लोग रहते हैं, जो इनको बेनिफिट मिलता है, उसके बाद गोल्डन वीजा जिन लोगों का पास है उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। यूएई का जो गोल्डन वीजा क्यों इम्पोर्टेंट है, आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो गाइस, मैं हूँ इरशाद और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद इरशाद। जो मेरा वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो गोल्डन वीजा के बारे में कि गोल्डन वीजा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। यूएई जो है दुनिया का एक बिजनेस हब बनने जा रहा है और ऑलरेडी बन चुका है, इसीलिए लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। और दूसरा ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि यूएई में टैक्स फ्री है, यानी आप जो जॉब करते हैं, आप जो बिजनेस करते हैं, जितना भी इनकम होता है सब आपका जेब में जाता है। सो गाइस, यहाँ पर लोग ज्यादा बिजनेस करने के लिए आते हैं, इसीलिए इसको बोलता है यूएई में बिजनेस का हब। बात यह है कि यहाँ पर और नेशनलिटी के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको सब इंडियन मिलेंगे, ये तो सब पाकिस्तानी मिलेंगे, आपको हर नेशनलिटी के लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है गाइस। यहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े बिल्डिंग कितने अच्छे यहाँ पर बन रहे, इसीलिए लोग यहाँ पर यूएई में आना पसंद करते हैं। पहले तो लोग जाते थे यूरोप कंट्री 5 साल रह के पासपोर्ट लेने के लिए, फिर उसके बाद आते थे अपना कंट्री, पर अब जो है लोग यूएई में आना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक के यूरोप के लोग भी यूएई में आके रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब से 10 साल का गोल्डन वीजा इशू हुआ है तो यहाँ पर लोग अब आराम से रह सकते हैं। जैसे कि आप लोग, आपका बहुत सारा इसमें बेनिफिट है गोल्डन वीजा में गाइस, बहुत सारा बेनिफिट है जो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि गोल्डन वीजा 10 साल का होता है, और दूसरी बात है गोल्डन वीजा आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट से मिलता है, आपको किसी कंपनी से नहीं मिलता है। अदर कंट्री में अगर आपको गोल्डन वीजा मिल जाता है 10 साल, तो आप अगर अपने कंट्री में वापस जाते हैं, अगर 180 दिन से ज्यादा हो जाता तो वो वीजा फिर कैंसिल होने का चांस रहता है। पर यहाँ का यूएई का जो गोल्डन वीजा है इतना स्पेशल है कि अगर आप गोल्डन वीजा अगर आपके पास है, अगर अपना मुल्क में आप 180 दिन से भी ज्यादा रह जाते हैं तो भी आप वापस आ सकते हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये इतना अच्छा इसमें बेनिफिट है, और गोल्डन वीजा रहने से आपको किसी भी मुल्क का वीजा आसानी से भी लग जाता है। और मैं गोल्डन वीजा का बेनिफिट बात कर लेता हूँ कि फैमिली स्पॉन्सर, आपके पास गोल्डन वीजा है तो आप अपना स्पोस चाइल्ड को भी आप 10 साल का वीजा दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको नौकर चाहिए तो आप नौकर, ड्राइवर, मेट भी रख सकते हैं, यानी आपको पूरा लेबर को भी हायर करने का आपका इस वीजा में पावर रहता है। खुदा ना खास्ता अगर आप डेट हो जाते हैं तो आपका जो फैमिली आपका वीजा से जो स्पॉन्सरशिप में यूएई में आए हुए हैं, तो 10 साल का उनके पास जो वीजा है वो 10 साल तक रहेंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अदरवाइज जो आप किसी को भी स्पॉन्सर किए हैं, जैसे मेड, ड्राइवर, तो वो लोग भी 2 साल तक रह सकते हैं। जैसे कंपनी का वीजा रहता है या कंपनी का ऑनर डेट हो जाता है तो वो वीजा फिर कैंसिल हो जाता है, फिर आप लोग को मुल्क जाने पड़ता है। मगर गोल्डन वीजा के जरिए अगर किसी को भी स्पॉन्सर करते हैं तो जब तक का वीजा वैलिड रहेगा तब तक वो रह सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब हम बात जान लेते हैं कि गोल्डन वीजा किन लोगों को मिल सकता है। पहला नंबर में है इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर यहाँ पर 2 मिलियन से ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं तो उनको मिलेगा गोल्डन वीजा। दूसरा नंबर में हम जान लेते हैं यूएई बैंक में 2 मिलियन से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट जिन्होंने रखा है उनको मिल सकता है गोल्डन वीजा। तीसरा नंबर में कैसे ऑनरशिप प्रॉपर्टी 2 मिलियन का यहाँ पर होने चाहिए। तो नंबर में जान लेते हैं सीनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जनरल मैनेजर आते हैं, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, इन लोगों का कैटेगरी का आपका वीजा रहेगा। और इनका जो सैलरी है मिनिमम 50,000 यानी 50,000 दिरहम तक होने चाहिए, और इनका जो पोस्ट है मैक्सिमम 5 साल तक इसी पोस्ट में होना चाहिए, तब इनको भी गोल्डन वीजा मिल सकता है। अब मैं दूसरा कैटेगरी का बात कर लेता हूँ, पीपल विथ स्पेशल टैलेंटेड, यानी स्पेशल टैलेंटेड वाले लोग को भी आप गोल्डन वीजा मिल सकता है। उसमें से पहला नंबर कौन आता है, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग को मिल सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल लोग को मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी मिल सकता है। लोगों के पास जो लेबर कार्ड है वैलिड होना चाहिए। बात कर लेते हैं साइंटिस्ट, रिसर्च डॉक्टर होल्डर डिग्री वालों को भी मिल सकता है, फ्रंट लाइन हीरो को भी मिल सकता है। यूएई में मस्जिद के इमाम साहब है तो अगर 10 साल यहाँ पर इमामत करते हैं तो उनको भी ये गोल्डन वीजा मिल सकता है।
अब हम बात कर लेते हैं गोल्डन वीजा का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप लोग को लगेगा। अगर आप कंपनी में काम करते हो तो आपको एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा आपका। उसके बाद है 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जितना आपको सैलरी मिलता है। मिनिमम सैलरी आपका 30,000 तक होनी चाहिए, इतने ही आपका 6 महीने तक स्टेटमेंट रहेगा तब आपको ये गोल्डन वीजा मिल सकता है। फिर आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने चाहिए और आपका पुराना वीजा भी आपका वैलिड होने चाहिए। अगर आपके पास अगर डिग्री है तो आपका डिग्री भी एडिस्टेशन होनी चाहिए, जैसे MBA है या फिर डॉक्टर का डिग्री है तो उसका भी आपका एडिस्टेशन होनी चाहिए। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जरूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, बाय बाय।